जय हिंद दोस्तों, आज मैथमेटिक्स के तीन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं अपनी ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप ज़रूर देखिए। इस वीडियो में पहला क्वेश्चन है, साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13 हो तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 sin थीटा डॉट कोस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन में दे रखा है 12/13, ऑप्शन बी में दे रखा है 119/20, इसी प्रकार ऑप्शन सी में दे रखा है 121/159, इसी प्रकार ऑप्शन डी में दे रखा है 25/169। तो हम देखेंगे कि जैसे कि हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 5/13, साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास है 5/13। तो फ्रेंड्स, साइन थीटा होता है वो क्या होता है, L/K होता है, मतलब L की वैल्यू होती है 5 और K की वैल्यू होती है 13। तो फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला होता है जिसमें हम L A L/K K A इस प्रकार इस फॉर्मूले को लिखते हैं, जिसमें ऊपर की तरफ होता है साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, नीचे होता है कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। तो फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले में हम देख सकते हैं कि जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो होती है L/K, इसी प्रकार कोस थीटा की वैल्यू होती है A/K, इसी प्रकार टेन थीटा की वैल्यू होती है L/A। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि जो कोस थीटा की वैल्यू होगी वो होगी A/K। A का मतलब होता है आधार, K का मतलब होता है कर्ण और L का मतलब होता है लंब। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि फ्रेंड्स, इस समकोण त्रिभुज में हमें दे रखा है, जैसे कि हमारे पास ये वाला थीटा है, तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होगी वो लंब होगी और थीटा के जो संलग्न भुजा होगी ये आधार होगी, इसी प्रकार फ्रेंड्स ये जो भुजा होगी ये कर्ण होगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें लंब की वैल्यू तो हमारे पास 5 दे रखी है और जो कर्ण है उसकी वैल्यू हमारे पास 13 दे रखी है। तो यहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स 13, ये हो जाएगी हमारे पास 5। तो जो आधार है वो क्या होगा, ये पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो आधार का स्क्वायर हमारे पास निकालना है, तो कर्ण के स्क्वायर में से हम लंब का स्क्वायर घटाते हैं, तो आधार का स्क्वायर आ जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, मतलब ये जो लंब का स्क्वायर इधर प्लस है तो इसका पक्षांतर हम करेंगे इस तरफ, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस लंब हो जाएगा हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 25, तो इसमें से हम घटाते हैं तो 144 आता है। तो जो कर्ण का स्क्वायर, जो आधार का स्क्वायर है वो 144 के बराबर है, तो 144 हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, स्क्वायर से हम स्क्वायर काटेंगे तो आधार है ये 12 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो आधार है वो फ्रेंड्स 12 के इक्वल होगा। तो जो कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी फ्रेंड्स, जो आधार बटा कर्ण है ये हो जाएगी कोस थीटा की वैल्यू, तो आधार की वैल्यू हमारे पास 12 है, कर्ण की वैल्यू हमारे पास 13 है, तो कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 12/13। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस वाले जो इक्वेशन है इसमें हम लिखेंगे कोस थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू और नीचे लिखेंगे साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू, तो इस प्रकार हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो कोस थीटा की वैल्यू हम रखते हैं जैसे कि हमारे पास 12/13 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी फ्रेंड्स 12/13, और जो कोस स्क्वायर थीटा है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन थीटा की वैल्यू हम रखेंगे 5/13 जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखी है, इसका स्क्वायर कर देंगे अपॉन में 2 sin थीटा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 5/13, और वापस कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 12/13। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 अपॉन में 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 25 अपॉन में 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 डिवाइड बाई, यहाँ से हम देखेंगे 2 × 5 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 × 60 अपॉन में 13 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 169। तो यहाँ से हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, इन दोनों का जब हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास 169 एलसीएम आता है, और 144 में से 25 घटाते हैं तो हमारे पास 119 आंसर आता है। इसको डिवाइड करते हैं इस वाले से, 62 हो जाएगा हमारे पास 120 डिवाइड बाई 169। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो 120/169 है इसको डिवाइड हम करते हैं 120/169 से, तो 119/169 मल्टीप्लाई बाई 169/120। तो फ्रेंड्स, इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये ऊपर की तरफ चला जाता है और मल्टीप्लाई में हो जाता है, 169 से 169 कैंसिल हो जाएगा और 119/120 हमारा राइट आंसर होगा। इसीलिए इस जो
क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी ये होगा। इसके आगे फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है, यदि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए को, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इसका मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन में दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एक, इसी प्रकार ए बी सी है इसका मान -1, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी है इसकी वैल्यू में 3 दे रखी है। ये 3 वैल्यू में दी गई है और चौथी वैल्यू में पूछी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3 ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और इसके मल्टीप्लाई में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। ये फ्रेंड्स हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो ये हमें निकालना है ए बी सी, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, और जो ए प्लस बी प्लस सी है इसकी वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में दे रखी है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी है इसकी वैल्यू भी फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन में दे रखी है। लेकिन हमें क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसकी वैल्यू नहीं दे रखी है, तो इसकी वैल्यू हम निकालते हैं पहले। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूले का यूज़ में लेते हैं, फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर, इसका जो स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2, ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इस प्रकार ये होता है। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। तो इस वाले जो टर्म है इसको हम पक्षांतरण करते हैं इस तरफ, तो इस तरफ आते ही ये प्लस का है, इस तरफ आते ही माइनस का हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 2, यहाँ हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो फ्रेंड्स ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें दे रखी है कि ये जो है ये वैल्यू 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का 2, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इसकी वैल्यू भी हमें दे रखी है 3, तो यहाँ हम वैल्यू रखेंगे 3। इसी प्रकार 1 माइनस 3 हो जाएगा 6, तो 6 में से हम 1 को घटाते हैं तो यहाँ हो जाएगा -5, क्योंकि जो माइनस वाली संख्या थी वो बड़ी थी। इस प्रकार हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसकी वैल्यू हो गई -5। तो इसकी वैल्यू हम इस वाले इक्वेशन में रखते हैं, तो इसमें देखते हैं हम क्या निकाल सकते हैं। जैसे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ए बी और सी ये तीनों मल्टीप्लाई में है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है -1, तो यह हो जाएगा -1। इसी प्रकार इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1, तो 1 हो जाएगा। और फ्रेंड्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इस पूरे की जो वैल्यू है ये हमें दे रखी है, हमने निकाली है, तो -5 हो जाएगा। इसी प्रकार ये माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, माइनस कॉमन लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बचेगा, तो इसकी वैल्यू हमें 3 दे रखी है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि माइनस और 3 हो जाएगा, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो +3 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस, और माइनस दोनों संख्याएं माइनस की है इसलिए जुड़ जाएगी, तो -8 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस 3 को हम पक्षांत करते हैं इस तरफ, तो ये इस तरफ आते ही माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू -8 -3 इज इक्वल टू -11। ये इस प्रकार फ्रेंड्स हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू -11 है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन ज्योमेट्री से रिलेटेड है। क्वेश्चन में दिया गया है यदि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, वह एंगल ए इसकी वैल्यू हमें दे रखी है x+30 डिग्री, और एंगल सी इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2x+15 डिग्री हो, तो x का मान क्या होगा। फ्रेंड्स हमें x की वैल्यू पूछी है, तो हम देख सकते हैं कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसमें सभी कोणों का मान समान होता है। तो फ्रेंड्स ये 4 कोण है, 1, 2, 3 और 4, इन चारों कोणों का मान समान होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इन चारों कोणों का मान यदि हम y माने, y y y और y ऐसे माने, तो फ्रेंड्स इन चारों कोणों का जब योग करेंगे तो 4y हो जाएगा इज इक्वल टू, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग फ्रेंड्स 360 डिग्री होता है। तो वाई से हम y को रखते हैं और 4 से फ्रेंड्स हम दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, तो 4 से हम इसको काटते हैं, तो 4 9 36 हो जाएगा 90 डिग्री, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो एंगल A है इसकी वैल्यू भी हमें 90 डिग्री होगी, और एंगल C है इसकी वैल्यू भी फ्रेंड्स हमें 90 डिग्री होगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इन दोनों कोणों का योग हो जाएगा 180 डिग्री, और फ्रेंड्स हम जोड़ते हैं जैसे कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू x+30 डिग्री है,
एक्स प्लस 30 डिग्री इसमें मान रखेंगे, प्लस एंगल सी की वैल्यू 2x+15 डिग्री है, तो 2x+15 डिग्री इसमें मान रखेंगे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 180 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 2x और प्लस एक्स मतलब 3x हो जाएगा, प्लस 30 प्लस 15 मतलब 45 डिग्री हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से फ्रेंड्स 3x इज इक्वल टू 180 में से यदि हम 45 डिग्री माइनस करते हैं तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 3x इज इक्वल टू 135 डिग्री। तो फ्रेंड्स दोनों तरफ हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो इस तरफ से 3 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा इज इक्वल टू यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे 3 चौक 12, इसी प्रकार 1 5 3 5 15, तो x की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री हो जाएगी, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछी है, इसीलिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इस प्रकार फ्रेंड्स हम चक्रीय चतुर्भुज या चक्रीय पंचभुज में एंगल्स का जब योग निकालना हो या एंगल में किसी एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो हम इस प्रकार सॉल्व करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।